एक साधु सारी जिंदगी भगवान का भजन करने के बाद भी नरक में क्यों गया। नमस्कार, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज की वीडियो, आज का ये प्रसंग बड़ा ही शिक्षाप्रद है। आपसे निवेदन है, आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य ही सुनना। दोस्तों, आप यदि हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हो, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो, तो चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लेना। हो सके तो अपने दोस्तों तक, रिश्तेदारों तक शेयर भी करना। आइए वीडियो शुरू करते हैं। कहते हैं कि भगवान का काम कौन कौन करता है, यदि इस बात को समझ गए तो जीवन भर भगवान की कृपा बरसती रहेगी, कभी आपको नरक में नहीं जाना पड़ेगा। दोस्तों, मनुष्य अपने कर्म को, अपने कर्तव्यों को, अपनी जिम्मेदारियों को भूलकर कभी मोक्ष नहीं पा सकता। कर्तव्य कर्म से विमुख रहने वाले व्यक्ति से भगवान कभी प्रसन्न नहीं होते। इसीलिए कहते हैं, अपने कर्तव्यों से हमेशा जुड़कर रहो, सत्य अहिंसा और धर्म के साथ अधर्म के साथ जिम्मेदारियों को निभाना अधर्म है। धर्म के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वाहन करना पुण्य है। आइए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, जो आपको बहुत कुछ सीख दे करके जाएगी। दोस्तों, किसी गांव में अपनी पत्नी और बच्चों के साथ में एक सुसेन नाम का व्यक्ति रहता था। वो अपने बीवी और बच्चों के साथ बड़े आनंद की जिंदगी जी रहा था। उसकी पत्नी बहुत खुश और बहुत ही सुशील स्त्री थी, पति का बहुत सम्मान करती थी। सुसेन भी अपने ग्रस्त धर्म की जिंदगी में जिम्मेदारियों को भली भांति निभा रहा था। एक दिन वह एक साधु के आश्रम पर जा पहुंचा। साधु उपदेश दे रहे थे कि संसार एक मनुष्य अक्सर पत्नी पिता पुत्र में उलझा रहता है, इसीलिए उसका कभी मोक्ष नहीं हो पाता है। संसार में आसक्ति होने के कारण वो कभी भगवान का जप तप नहीं कर पाता है, इसीलिए उसे कभी मोक्ष नहीं मिलता। यदि अपनी मुक्ति चाहते हो तो विषय वासना मोह माया से अपना मन हटा करके भगवान के चिंतन में लगाओ, तभी आपको सदगति मिलेगी। दोस्तों, साधु के उपदेश का सुसेन पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि वह सब कुछ छोड़ छाड़ करके साधु बन गया। अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ गया, पत्नी को छोड़ गया और साधु बन गया, और दिन रात भगवान का जप तप करता रहा। उसी आश्रम पर रहते रहते भगवान का नाम जपते जपते उसकी सारी उम्र बीत चुकी थी। दोस्तों, उसका अंतिम समय निकट आ चुका था। उसे इस बात का अभिमान था कि उसने 30-40 वर्ष भगवान का गुणगान करने में बिता दिए हैं। अब तो उसके खाते में बहुत सारे पुण्य जमा हो गए होंगे और उन पुण्यों के प्रताप से उसे मोक्ष मिल ही जाएगा। एक दिन वो सुसेन साधु भगवान का ध्यान कर रहा था। अचानक उसके ध्यान में भगवान की जगह एक स्त्री आ गई। वो स्त्री साधु से बोली, हे साधु, मुझ पर एक एहसान कर दो। तुम्हारे खाते में तो 30-40 वर्ष के पुण्य जमा हैं, अपने एक दिन के पुण्य मुझे भी दे दो और मेरे एक दिन का पाप आप ले लो। इतना कह करके वह स्त्री अदृश्य हो गई। दोस्तों, यह सोच करके साधु बड़ा दुखी हुआ। सोचने लगा, अजीब बात है, आज तक तो कोई स्त्री मेरे ध्यान में आई नहीं। अब जब मेरा मरने वाला समय है, मेरा अंत समय नज़दीक है, तो मेरे ध्यान में एक स्त्री आ रही है, इसका क्या मतलब है। साधु इस घटना से बड़ा परेशान था। थोड़ी देर बाद वह फिर भजन करने को बैठा तो उसके ध्यान में फिर से वही स्त्री आकर के उससे एक दिन का पुण्य मांगने लगी और अपने एक दिन का पाप उसे देने लगी। साधु सोच में पड़ गया कि मेरे एक दिन के पुण्य को लेकर के यह स्त्री क्या करेगी। फिर सोचा, हो सकता है यह स्त्री किसी मुसीबत में हो, इसलिए मुझसे पुण्य मांग रही है, परंतु मेरे गुरु ने तो
मुझसे कहा है कि अपने पुण्य किसी को मत देना। मनुष्य के पुण्य उसके जीवन की अनमोल कमाई हुआ करती है। यदि वो भी उसने किसी को दे दिए तो उसे कभी मोक्ष नहीं मिलेगा। बड़ी कठोर साधना के द्वारा पुण्य अर्जित किए जाते हैं। साधु ने सोचा, हो न हो यह स्त्री मेरे मोक्ष के मार्ग में रोड़ा बनना चाहती है, मुझे स्वर्ग नहीं जाने देगी। सुसेन साधु अपने गुरु के पास पहुंचा और सारी बात बताई कि गुरुदेव, एक स्त्री रोज उसके ध्यान में आकर के उससे एक दिन का पुण्य मांगती है, मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। तब गुरु ने समझाया कि देखो, अपने पुण्य किसी को नहीं दिए जाते, यही पुण्य मनुष्य की असली पूंजी है, असली धरोहर है। साधु ने गुरु की बात मान ली और फिर भगवान का ध्यान करने बैठ गया। वो स्त्री फिर उसके ध्यान में आकर के पुण्य मांगने लगी। सुसेन ने कहा, क्षमा करना, मैं अपने पुण्य आपको नहीं दे सकता, मेरे गुरु ने मना किया है। तब वो स्त्री कहती है, हे साधु, आप और आपके गुरु को धर्म का वास्तविक ज्ञान नहीं है। तुम जिस संसार की मोह माया और आसक्ति छोड़ने के अभिमान में हो, वह तुम्हारा अभिमान बेकार है। तुम और तुम्हारे गुरु ने आसक्ति को और अधिक कसकर पकड़ लिया है। साधु बनकर के तुमने अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़कर कौन सा बड़ा काम किया। साधु पुरुषों का तो जीवन पर सेवा के लिए होता है, पर तुम्हें तो किसी की मदद करने का गुण है ही नहीं। उस स्त्री की बात सुनकर के सुसेन फिर अपने गुरु के पास गया और पूरी बात बताई कि वह स्त्री हमारे बारे में ऐसा ऐसा बोल रही है। गुरु ने सुसेन को डांटते हुए कहा कि तुम मेरे वचनों को सुना है, उनका अपमान करते हो, उन पर संदेह करते हो। वह स्त्री तुम्हें मोक्ष मार्ग से भटकाना चाहती है, मुझे पता है कि तुम्हें पाप में डुबाना चाहती है। मुझे लगता है कि जरूर तुम्हारे पीछे बुरी आत्मा पड़ गई। दोस्तों, गुरु के डांटने पर सुसेन साधु चुप रह गया। अब वह जाए तो कहाँ जाए, किससे कहे, आखिरकार वह शांत होकर के बैठ गया। उसने भगवान का ध्यान करना शुरू किया। दोस्तों, उसी समय फिर वही स्त्री उसके ध्यान में आ गई। वह स्त्री कहने लगी कि हे साधु महाराज, लोग साधु बनकर के स्वतंत्र हो जाते हैं, पर तुम तो इतनी वर्ष आत्मा और ब्रह्मा के विषय में चिंतन और मनन करने के बाद भी अभी भी गुलाम बने हुए हो। तुम्हारी काबिलियत को तब थी जब तुम गुरु से आगे जाते, तुम तो अपने गुरु के बंधन में बंधे पड़े हो, गुरु के थोड़े से ज्ञान से बंधे हुए हो। तुम स्वतंत्र होकर के स्वयं कोई निर्णय नहीं ले सकते। साधु जी, मैं एक बार फिर तुमसे निवेदन कर रही हूँ कि तुम मुझे एक दिन का पुण्य दे दीजिए और मेरे एक दिन का पाप आप ले लो। मुझे किसी को मोक्ष दिलाना है, इसीलिए मैं बार बार तुमसे कह रही हूँ, यही ईश्वर की इच्छा है। दोस्तों, साधु अभी भी दुविधा में पड़ा हुआ था। सोचने लगा, संत मत कहता है किसी को अपने पुण्य नहीं देना चाहिए, पर धर्म कहता है कि किसी जरूरतमंद की सहायता करनी चाहिए। सुसेन सोचने लगा कि यह स्त्री भला किसे मोक्ष दिलाना चाहती है, गुरु ने तो मुझे कोई सही राह नहीं दिखाई, क्यों ना भगवान से ही पूछ लूं कि वो क्या। उसी समय साधु ने भगवान से ध्यान लगाया और उनसे प्रार्थना की कि वो उसे सही मार्ग सुझाएं। जैसे ही उसने भगवान से अपनी उलझन के बारे में बताया, उसी समय एक आकाशवाणी होती है। आकाशवाणी ने साधु से पूछा कि हे सुसेन, पहले तुम बताओ तुमने आज तक कौन सा पुण्य इकट्ठा किया है, तो तुम अपने पुण्य पर इतना रहे हो, इतना घमंड कर रहे हो और एक दिन का पुण्य उस स्त्री को
देने से झिझक रहे हो। दोस्तों, तब साधु बोला, हे भगवान, मैंने आज तक पुण्य संचित करने के अलावा और किया ही क्या है। मैंने घर परिवार त्यागने के बाद लगभग 30-40 वर्ष तक ईश्वर का भजन किया है। 30 साल मैंने भिक्षा मांग कर अन्य के सहारे बिता दिया। आज तक कोई धन जमा नहीं किया। त्याग तो इतना बड़ा किया कि मैंने अपनी पत्नी और बच्चों को भी त्याग दिया। देर रात में जप तप में लगा रहता हूँ। साधु ने कहा, यह क्या कुछ कम है? आकाशवाणी ने कहा, साधु जी, 30 साल में ऐसा करके तुमने कोई विशेष काम नहीं किया जो तुम्हारे पुण्य को बढ़ाते। तुमने इन 3 सालों में दूसरों का कमाया हुआ और दूसरों का ही पकाया हुआ खाया है। खुद का कोई आश्रम नहीं था। जरा सोचो, केवल राम राम जपने से, अल्लाह अल्लाह कहने से पुण्य कैसे प्राप्त हो सकता है? मान लो, अगर तुम पैसा पैसा जपना शुरू कर दो तो क्या पैसा पैसा तुम्हारे खाते में जमा हो जाएगा? नहीं होगा। पैसा जमा करने के लिए परिश्रम करना पड़ेगा। उसी तरह पुण्य को इकट्ठा करने के लिए परोपकार, दूसरों की सेवा सहायता करनी पड़ेगी। समस्त जीवों के प्रति दयालुता का भाव रखना पड़ेगा। दुखी पीड़ित लोगों को मदद करना पड़ेगा। अब तुम राम राम जपते रहो और आपके पड़ोस में किसी के बच्चे भूखे सो रहे हों तो क्या तुम्हें पुण्य मिलेगा? आप भगवान के ध्यान में बैठे रहो और आपके पास में किसी बहन बेटी की इज्जत लुट रही हो तो क्या आपको पुण्य मिलेगा? आप राम राम जपते रहो और गरीबों को कोई लूटता रहे, पीटता रहे तो क्या आपको पुण्य मिलेगा? नहीं मिलेगा। तुमने भी आज तक यही किया है। कर्तव्य धर्म से अलग होकर के तुमने मेरा नाम जप किया। अरे मूर्ख, मेरा नाम जप तो आप गृहस्थ धर्म में रहकर अपनी पत्नी बच्चों का पेट पालकर भी कर सकते थे, तब मैं बहुत खुश होता। परंतु अब मैं तुमसे प्रसन्न नहीं हूँ और ना ही तुम्हारे खजाने में कोई पुण्य है। भगवान की वाणी सुनकर के साधु सदमे में पड़ गया। कहने लगा कि हे भगवान, जब मेरे खाते में कोई पुण्य नहीं है तो वह स्त्री मुझसे एक दिन का पुण्य क्यों मांग रही थी? और आपने एक दिन का पाप देने की बात क्यों कर रही थी? तब भगवान बोले, अरे मूर्ख, उसे पता था कि तुम्हारे पास कोई पुण्य नहीं है। तुम्हारे पास सिर्फ पाप ही पाप है। वो तुमसे तुम्हारे पाप मांग करके और अपने पुण्य तुम्हें देना चाहती थी ताकि तुम्हारा मोक्ष हो सके। वह तुम्हारी पही पत्नी थी जिसे तुम 30 वर्ष पहले त्याग करके चले आए थे। तुमने अपनी पत्नी और बच्चों को बेसहारा छोड़कर बहुत बड़ा पाप किया था। जब तुम अपनी पत्नी को छोड़कर घर से निकल आए तो बेचारी कई दिनों तक तुम्हारे इंतजार में बैठी रोती रही। तुम्हारे लिए तो उसे छोड़ आना सरल था, पर उसकी तो आप ही जिंदगी थे। बच्चे जब तक जवान नहीं हो जाते, स्वयं कमाने खाने नहीं लगते, तब तक पिता ही उसका जीवन दान होता है, जीवन का दाता होता है। और तुमने उसे, उन्हें त्याग कर उनसे उनका वचन, भविष्य, पूरा जीवन ही छीन लिया। उन्हें शिक्षा से वंचित कर दिया। उन्हें कमाने खाने को मजबूर कर दिया। उन्हें उस अव्यवस्था में दुख सहन करने को मजबूर कर दिया। वह पराधीन थे। तुम्हारे द्वारा कमाया गया धन थोड़े दिन बाद समाप्त हो गया। तुम्हारी पत्नी और बच्चों के आगे रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया। एक स्त्री अपने बच्चों को लेकर के कहाँ मजदूरी करने को जाती, पर पेट के लिए तो करना ही पड़ता था। वो बच्चों को भूखा एक माँ कैसे देख सकती थी? दोस्तों, इसीलिए उसने कहीं काम करने की सोची।
पर वो इतनी बड़ी पढ़ी लिखी नहीं थी जो उसे कहीं ढंग का काम मिल जाता। कई जगह भटकने के बाद जब उसे कहीं काम नहीं मिला तो वो मजबूर होकर के एक कुष्ठ आश्रम में काम करने लगी। स्वयं को बीमारी से बचाती हुई उन दुखियों की सेवा करती थी। लोग कुष्ठ पीड़ितों को उस आश्रम में छोड़ जाते थे तो उसे बड़ा दुख होता था। यह सोच करके आज फिर एक अपने परिवार से छूट गया। वह अपने आप को भी पापी समझती थी। वह कहती थी कि मैं भी पापिनी हूँ, इसीलिए तो उसका पत्य उसे छोड़ करके चला गया। उसने दीनों की सेवा से इतने पुण्य संचित कर लिए थे कि वह स्वयं उसको भी नहीं पता। वह रात दिन तुम्हारे मोक्ष की मुझसे प्रार्थना करती थी। उसे आभास हुआ कि अब तुम्हारा समय नजदीक आ गया है, तो उसने मुझसे प्रार्थना की कि मेरे पति को मोक्ष देना, जिसके लिए वह घर त्याग कर गया है। मैंने उससे कहा कि तुम अपने पति को अपने जीवन में से एक दिन के पुण्य दे दो, क्योंकि उसके पास पुण्य नहीं है तो उसे मोक्ष मिल जाएगा। वह तुम्हारे मोक्ष के लिए रोज तुम्हारे ध्यान में आती है और तुमसे तुम्हारे पाप मांग कर अपने पुण्य देना चाहती थी। वह अगर तुमसे कहती कि तुम मेरे एक दिन के पुण्य ले लो तो शायद तुम उसकी बात नहीं मानते, क्योंकि तुम्हें लगता था कि तुम्हारे पास बहुत सारे पुण्य हैं, इसीलिए वो तुमसे उल्टा बोल रही थी। वो तुम्हारा कल्याण करना चाहती थी। वो अपने जीवन के सारे पुण्य तुम्हें सौंपना चाहती थी। वो कुष्ठ रोगों से पीड़ित होकर के मृत सैया पर पड़ी हुई है, तुम्हारे कल्याण की प्रार्थना करती है, और तुम हो, तुमने तो ना उसे कभी याद किया ना अपने बच्चों को देखा। भगवान की वाणी सुनकर के सुसेन साधु का मन गिलानी से भर गया। बड़ा दुख हुआ। उसे गहरी गहरी सांसें आने लगीं। पूरा बदन पसीने से भीग गया। दोस्तों, वो जोर जोर से पत्नी को पुकारता हुआ घर की ओर भाग खड़ा हुआ। गुरु ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? जवाब दिया, अपनी पत्नी और बच्चों के पास धर्म को सीखने। गुरु ने कहा, साधु बनकर अब नरक में जा रहे हो? सुसेन ने कहा, क्षमा करना, यदि नहीं गया तो नरक में जरूर चला जाऊंगा। मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है कि धर्म के साथ अपनी जिम्मेदारियों को निभाना, अपने परिवार का पालन पोषण करना, अपने दायित्व से मुकने वाला भगवान की शरण में जाने पर भी नरक में ही जाता है। अपने कर्तव्यों का सत्य मार्ग पर चलकर पालन करने वाला ही भगवान को प्रिय होता है। दोस्तों, वही मनुष्य भगवान को प्रिय होता है जो भगवान का काम करता है। यही सबसे बड़ा धर्म है और इसी काम से मनुष्य के जीवन में सबसे अधिक पुण्य इकट्ठे होते हैं। दोस्तों, जब वो अपनी पत्नी के पास में पहुंचा तो पत्नी को जब सारी हकीकत बताई, मुझे क्षमा करो, तब पत्नी ने उसे भगवान के दर्शन कराए और भगवान को स्वयं बुला करके उसे स्वर्ग का अधिकारी बनाया, यानी स्वर्ग में भेज दिया। एक पति भजन करने के बाद भी नरक में जाने वाला था, लेकिन उस पत्नी ने ऐसी असहायों की सेवा की कि उसने पुण्यों को अर्जित कर अपने पति को मोक्ष दिला दिया। दोस्तों, पत्नी होनी चाहिए तो ऐसी जो कि पति ने हर तरह से उसको ठुकरा दिया था, लेकिन वो अपने पतिव्रत धर्म पर कायम रही। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें। फिर मिलते हैं ऐसे ही नए इंटरेस्टिंग